क्या आपको याद है जब सुधा अंकुरित मूंग के बारे में सीख रही थी और उसने थोड़े से अंकुरित मूंग लिए और मिट्टी में बो दिए थे। अभी उनमें से पौधे निकल आए और उसमें से फूल भी निकल आए हैं। सुधा तो बहुत खुश है और आज इन फूलों के बारे में वो बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक भी है। आइए सुनते हैं आज का एपिसोड। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। माँ माँ जल्दी यहाँ आइए, क्या आपको याद है पौधा जो मैंने लगाया था? पौधे में पीले रंग के फूलों की कतार खिल गई है। हाँ हाँ सुधा, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो सूख रहे हैं उन्हें देखो, फूल के नीचे एक फली उग रही है। क्या, आखिर कैसे? सुधा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों आज इसके बारे में पढ़ते हैं और जानकारी इकट्ठी करते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छा सुझाव है माँ, सप्ताह के अंत कुछ नया जानने को मिलेगा, मजा आएगा। बिल्कुल सही, शनिवार इतवार को तुम्हारी छुट्टी जो है, तुम्हें नया सीखने को मिलेगा तो मजा तो आएगा ही। हाँ सुधा, देखो दरवाजे की घंटी बजी है, कौन आया है देखो, जाके दरवाजा खोलो। जी माँ। अरे संतोष और रम्या, तुम भी आज, तुम लोग यहाँ कैसे आए? रम्या अपनी साइकिल से मेरे घर आई, मैं भी उसके साथ अपनी साइकिल लेकर चल पड़ा और हम आपके यहाँ आ गए। हमने सोचा कि आज हम शहर घूमेंगे। कितना मजा आएगा माँ, मैं भी अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाना चाहती हूँ। पता है मुझे तुम मानने वाली तो नहीं हो, जाओ फिर साइकिल चलाओ और जब तुम वापस आओगी तब हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे। अरे माँ आप पढ़ लो और आप समझो, मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाऊंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे आप पौधे के बारे में सब कुछ बता देना, ठीक है? ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो। आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखना कि ध्यान से साइकिल चलाना सड़क पर। संतोष तुमको मैं खासकर कह रही हूँ, साइकिल चलाते समय स्टंट बिल्कुल मत दिखाना सड़क पे। ठीक है आंटी। ठीक है माँ, बाय। देखो देखो, ये तो वही वाली जगह है जहाँ संतोष नाश्ता करने के लिए रुकता था। ये हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा बुक्कड़ है। आ गई सुधा तुम? हाँ माँ मैं आ गई। अच्छा चलो फटाफट से हाथ मुंह धो लो और फिर टेबल पे सामने केले रखे हैं, एक केला खाओ, थक गई होगी, एनर्जी मिलेगी तुमको। ठीक है माँ, आपको पता है वहाँ कितनी तेज हवा चल रही थी? अच्छा हाँ, वैसे क्या आपने पढ़ा कि मेरे फूल आखिरकार बीज कैसे बनेगा? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मैंने पढ़ा जरूर, पर चलो बगीचे में आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। सुधा यहाँ आओ, ये देखो, ये इतना छोटा फूल है और तुम जानती हो कि इसके अंदर कितनी चीजें हैं? सुधा तुम इस फूल को खोलने का प्रयास करो। मुझे अपनी उंगलियों पर पीला सा कुछ पाउडर महसूस हो रहा है माँ। हाँ सुधा वह तो पराग है, यहाँ ध्यान दो, ये पतली डंठल है और उसके ऊपर एक घुंडी है। पतले डंठल को फिलमेंट कहा जाता है और घुंडी को पराग कोश कहते हैं। पराग कोश में पराग इकट्ठा होता है। अच्छा, क्या तुम्हें कोई मोटी तने जैसी चीज दिखाई दे रही है? इसको पुनकेसर कहते हैं, यानी स्टेमेंस। हाँ माँ, उसे कार्पेल कहा जाता है।
वे फूल का मादा प्रजनन भाग है। बिल्कुल सही, पर एक और बात ध्यान रखना, पुनकेसर को जो तुमने अपनी, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है कि पुनकेसर क्या होते हैं, तो तुमने अपनी साइंस की किताब में जरूर पढ़ा होगा, इसे अंग्रेजी में स्टेमन्स कहते हैं। ओ हाँ, स्टेमन, ये हमें हमारी मैम ने पढ़ाया था। ऊपर एक घुंडी जैसी चीज होती है, फिर एक तना होता है, और जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं ये फूल बन जाता है। बिल्कुल सही सुधा, वह दरअसल महिला प्रजनन अंग होता है, और महिला प्रजनन अंग के तीन भाग हैं। सबसे ऊपर की घुंडी जैसी चीज को स्टिग्मा कहा जाता है, पतले तने जैसी चीज को स्टाइल कहा जाता है, और जो नीचे का हिस्सा जो सूजा हुआ सा लग रहा है वह अंडाशय होता है। हाँ हाँ सुधा, कोशिश करो सूजे हुए हिस्से को खोलने की। हाँ मैं कर रही हूँ। अरे वाह माँ, इसके अंदर तो एक छोटी सी फली है, और उस फली के अंदर और बहुत छोटे छोटे बीज हैं। हाँ सुधा, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं भी हैरान हो गई। वे छोटे बीज जिसे परागण यानी कि पॉलिनेशन, जो तुमने साइंस की किताब में जरूर पढ़ा होगा, कहा जाता है, वे हरे चने के बीज में विकसित होते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन। जी, पर ये परागण मतलब पॉलिनेशन क्या है? याद है वे पीले रंग का पाउडर जिसे तुमने सबसे पहले छुआ था? हाँ माँ, पराग जिसे हमारी साइंस टीचर ने बताया था कि अंग्रेजी में पोलन कहते हैं। अच्छा, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नर प्रजनन भाग से पराग कणों को मादा प्रजनन भाग तक अवश्य पहुंचना चाहिए। परागण के बाद ही फलियां और बीज विकसित होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खास प्रक्रिया है, लेकिन माँ मुझे अभी भी ये नहीं समझ आए कि ये होता कैसे है। जब आज तुम सुबह साइकिल चलाने गई थी और तुमने बताया कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो हवा तेज चलने से क्या होता है, पराग कोश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। मधुमक्खियाँ जो फलों से रस चूसती हैं वह पोलन ग्रेन को आगे पहुँचाने में मदद करती हैं, पोलन ग्रेन यानी पराग कणों को। अच्छा, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझा दी मुझे। तुम्हें पता है सुधा, इस पौधे में नर और मादा प्रजनन अंग एक ही फूल में होते हैं। ऐसे पौधे भी हैं जिनमें एक नर फूल और एक मादा फूल होता है। अच्छा, पर मतलब वहां पे परागण कैसे होता है? तुम इस बारे में खुद पढ़ो सुधा, और मुझे भी बताओ। ठीक है माँ। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट, तो सुनना ना भूलें। है ना ये काफी आकर्षक बात कि एक छोटे से फूल के अंदर कितना कुछ होता है। तो आप बताइए, क्या आपने कभी किसी फूल को खोलकर देखा है कि उसके अंदर क्या है? आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, तो फूलों के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर क्लिक करिए और हमारे साथ शेयर करिए। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542 और एक और नंबर है 0146829620। तो बने रहिए कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।